अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट आवर बेसिक टाइप ऑफ द मसल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स has three basic regions. One is called the origin. Origin is the end of the muscle which remain fixed when the muscles is contract. यानी origin जो है ये muscle का वो वाला हिस्सा है जो कि fix रहता है एक जगह पे, जो है वो अपनी जगह को वो hold किए रखता है, और दूसरा हिस्सा जो है जब muscles contract हो रहे होते हैं तो वो अपने आप को fix रखता है। Second part is a insertion. Insertion is the end of the muscles that moves with bone. Insertion वो part है muscle का जो bones के साथ attach होता है, और जब muscle pull या push करता है तो वो bones के साथ जो है वो हरकत करता है। एंड थर्ड वन इज़ अ बेली। वट इज़ अ बेली? बेली इज एक्चुअली अ थिक पार्ट बिटवीन द ओरिजन एंड द इंसर्शन विच कंट्रैक्ट। ओरिजन जो है ये फिक्स पॉइंट है, इंसर्शन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल विद बोन है, और बेली जो है वो इन दोनों के दरमियान का हिस्सा होता है। ये तो थे स्केलेटल मसल्स के तीन पार्ट्स। इसके अलावा जब बोन्स स्केलेटन ने मूवमेंट करनी होती है तो उसको कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी चाहिए होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? इट बाइंड्स टू हेल्प विद अदर टिश्यूज एंड हेल्प टू मेंटेन द बॉडी फॉर्म बाय होल्डिंग इट्स वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है कि इसने बोन्स को जो है वो आपस में मसल्स के साथ जो है वो कनेक्ट रखना है ताकि बॉडी अपनी शेप मेंटेन रख सके और डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट कर सके। कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू हैव अ फिब्रिल्स विच आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज अ लेगामेंट, लेगामेंट दैट इज अटैच बोन टू बोन एंड आर स्लाइटली इलास्टिक इन नेचर, while the tendon, tendon is attached the muscles to bone and are non-elastic in nature. Now we discuss about the movement of the bones. Majority of the muscles tissue in our body are skeletal muscles. There are around about 650 types of the muscles are present in our body. Skeletal muscles produce a movement by pulling of the tendon through a cord that pulls through the bones further. क्या होता है कि जो हमारे skeletal muscles हैं उनमें movement तब generate होती है जब tendon जो है वो cord को, यानी muscles को और bones को जो है वो अपनी तरफ pull करता है, जिसकी वजह से further जो है वो movement generate होती है। Mostly muscles are attached with the help of joints. Contraction of the muscles move the bones towards and away from itself, that results a movement. यानी जब muscles contract करते हैं तो ये या तो bones को अपनी तरफ हरकत करते हैं या bones की हरकत जो है वो away from itself होती है, जिसकी वजह से जो है वो movement generate होती है। When the muscle is a contract, it draw the bones towards or away from the bones with which it articulates. जिसके साथ muscles अटैच होता है, जिस बोन के साथ, ये उसी के साथ अपनी मूवमेंट को जो है वो शो कर रहा होता है। Muscles and bone movements normally have the relationship that is called a antagonistic relationship. Antagonistic relationship में क्या होता है कि अगर muscles relax हैं तो bone जो है वो खुद को pull या push जो है वो करती है।
हमारे बॉडी में मूवमेंट्स की बेस्ट टाइप जो है उसको हम फिजिकल एग्जामिन अगर करना चाहें तो हम उसको लीवर के साथ जो है वो एग्जाम्पल देते हैं। हमारा जो स्केल्टन है वो रिज्ड होता है जो कि मसल्स के साथ अटैच है, और मूवमेंट ऑफ स्केल्टन जो है वो पॉसिबल सिर्फ उसी जगह पे होती है जहाँ पे कि हमारी जॉइंट्स जो है वो मौजूद हैं। ईच बोनी लीवर इज मूव्ड बाय एंटागोनिस्टिक मसल्स पेयर, यानी वन मसल से रिवर्स द एक्शन ऑफ द अदर मसल्स। अगर एक मसल कंट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा मसल एट अ टाइम जो है वो रिलैक्स हो रहा होता है। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन्स एंड द मसल्स इज द आर्म मूवमेंट। इन आवर आर्म टू टाइप ऑफ द मसल्स इज अ प्रेजेंट, वन इज अ बाइसेप एंड अदर वन इज अ ट्राइसेप मसल्स। बाइसेप मसल्स बेंड्स द आर्म एट द एल्बो एंड ट्राइसेप इट स्ट्रेटन्स इट। शोल्डर से जो मसल्स हमारी एल्बो तक के आते हैं वो बाइसेप्स मसल्स हैं, जो हमारे एंटीरियर साइड्स पे हैं वो क्या करते हैं, जब वो बेंड होते हैं बाइसेप मसल्स बेसिकली हमारी आर्म को बेंड करते हैं, जबकि जो ट्राइसेप मसल्स हैं वो उसको स्ट्रेटन यानी सीधा करते हैं। बाइसेप मसल्स बेंड्स द आर्म एट द एल्बो जॉइंट एंड ट्राइसेप मसल्स स्ट्रेटन इट। बाइसेप मसल्स नाउ राइज द हेड ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला कौन सी हड्डी थी, जो हमारे शोल्डर की हड्डी होती है, एंड इंसर्ट इट बाय वो बाइसेप जो है वो स्कैपुला के हेड को जो है वो रेज करते हैं और खुद को जो है वो रेडियस की मिडल बोन के साथ जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। नाउ द मसल्स ऑफ द बाइसेप्स आर ब्रैकेलस एंड द ब्रेको रेडियलस। बाइसेप्स के दो तरह के मसल्स होते हैं, एक को हम जो है वो ब्रैकेलस बोलते हैं और दूसरे को जो है वो ब्रैकेलियो एल्डस रेडियलस जो है वो बोलते हैं। ब्रैकेलियस जो है ये अल्ना के साथ इंसर्टेड या इंटरकनेक्टेड होता है, और जो ब्रैकियो रेडियलस है वो नाम से ही पता चला है, रेडियलस यानी वो रेडियस के साथ खुद को कनेक्ट किए हुए होता है। जब ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये रेडियस को लिफ्ट अप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्म जो है वो एल्बो से झुक जाती है। दिस इज अ बेस्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन अबाउट द एंटागोनिज्म मैकेनिज्म ऑफ पेयर। एंटागोनिस्टिक एक्चुअली द पेयर ऑफ अ मसल्स विच क्रिएट अ मूवमेंट व्हेन वन मसल इज कंट्रैक्ट एंड अदर इज अ रिलैक्स। ये हमारे बाइसेप्स मसल्स हैं। बाइसेप्स मसल्स में मैंने आपको बताया कि दो मसल्स मौजूद हैं, एक ब्रैकेलियस है और एक ब्रैकियो रेडियलस है। जो ब्रैकियो रेडियलस है उसकी अटैचमेंट जो है वो हमारे साथ होती है रेडियस के साथ। ये देखिए, ये मसल्स जो हैं वो इस वक्त आर्म जो है वो बेंड हो रही है, क्यों, ये बाइसेप मसल्स की वजह से। बाइसेप मसल्स जब कंट्रैक्ट करता है तो कंट्रैक्शन के नतीजे में जो हमारी एल्बो है वो बेंड हो जाती है। अब जब ट्राइसेप मसल्स कंट्रैक्ट करेगा तो बाजू जो है वो स्ट्रेटन्स हो जाएगी। अब हम कुछ मूवमेंट एक्सप्लेन करेंगे इन प्रोटिस्टा में। सबसे पहले है यूग्लीना में। ऑर्गन ऑफ मूवमेंट इन द यूग्लीना इज अ फ्लेजेलम। फ्लेजेलम इज एक्चुअली अ वाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू मूव इन फॉरवर्ड एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्लेजेलम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि एक चाबक होता है, मतलब वो घोड़े को चलाने के लिए जो हम चाबक यूज करते हैं वो। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है यूग्लेना के लिए। मूवमेंट ऑफ द फ्लेजेलम इज अ स्पाइरल फैशन, यानी वो बल खाते हुए तरीके से जो है वो मूव करता है फ्रॉम इट्स बेस टू इट्स टिप। लोकोमोटरी फ्लेजेलम विच इज प्रेजेंट एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी पुल द ऑर्गेनिजम्स इट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। यूग्लीना इज आल्सो एबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय द एक्टिविटी ऑफ द कंट्रोक्टाइल मायोनेम्स। मायोनेम्स मतलब कंट्रोक्टाइल वैक्यूल या कंट्रोक्टाइल कुछ स्ट्रक्चर्स उसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूग्लीना जो है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये बात
क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए कि फ्लेजेलम जस्ट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द यूग्लिना, नॉट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द यूग्लिना. द कंट्रोक्टाइल मायोनिम्स एंड कंट्रोक्टाइल मसल्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द यूग्लिना. मूवमेंट में क्या होता है, सबसे पहले बॉडी जो है वो शॉर्टर और वाइडर हो जाती है एंटीरियर एंड से. एंटीरियर एंड वो हिस्सा है जहाँ से कि उसका फ्लेजेला जो है वो बाहर निकल रहा है. एंड देन मिडल, फिर उसका मिडल पार्ट जो है वो शॉर्टन होता है और देन पोस्टीरियर और फिर उसका एंड वाला पार्ट जो है वो शॉर्टन होता है. दिस वन क्लियरली इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ द फ्लेजेला. दिस वन इज अवर फ्लेजेलम एंड नाउ यू सी दिस फ्लेजेला इज मूव इन स्पाइरल फैशन एंड दीज ग्रीन वन. दिस ग्रीन वन आर इट्स कंट्रोक्टाइल वैक्यूल दैट हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द यूग्लिना, वाइल दिस फ्लेजेलम हेल्प द यूग्लिना टू मूव इन अ वाटर एंड इट्स अ स्पाइरल शेप मूवमेंट हेल्प द यूग्लिना टू मूव इन फॉरवर्ड और इन रिवर्स डायरेक्शन. अवर नेक्स्ट मूवमेंट इज लोकोमोशन इन पैरामेशियम. पैरामेशियम इज अ मूव विद द हेल्प ऑफ अ सीलिया एंड इट्स मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ सीलरी मूवमेंट. सीलिया होते क्या है? सीलिया आर अ शॉर्ट फाइन एंड अ थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. लेंथ ऑफ द सीलिया आर अ वेरीज फ्रॉम माइक्रोन टू मैनी हंड्रेड माइक्रोन्स एंड इट्स डायमीटर इज अ वेरी रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.5 माइक्रोन. सीलिया डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली. इंस्टेड ऑफ इट अ बंच ऑफ अ सीलिया इज अ मूव फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर साइड. अब क्या है जी कि सीलिया जो है ये फ्लेजेलम की तरह नहीं होते बल्कि ये गुच्छे की शक्ल में पाए जाते हैं और इनकी मूवमेंट कब होती है कि ये साइमल्टेनियसली मूव, मतलब सारे के सारे इकट्ठे मूव नहीं करते. एक बंच अगर सीलिया का मूव कर रहा है तो दूसरा जो है वो खुद को उस वक्त रिलैक्स हालत में रख रहा होता है या उसके ऑपोजिट जो है वो मूव कर रहा होता है. सीलिया कंपोज्ड किस तरह हुए हैं? दिस इज आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सीलिया? सीलिया एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ 9 पेरिफेरल डबल फिब्रल्स हैविंग 8 शेप्ड फिब्रल्स एंड 2 सेंट्रल स्मॉल फिब्रल्स. सीलिया में टोटल 9 फिब्रल्स पाए जाते हैं जिसमें 8 फिब्रल्स जो हैं वो तो 8 के हिंसे की तरह की अपीयरेंस देते हैं और 2 स्मॉल फिब्रल्स जो हैं वो उसके सेंटर में जो हैं वो पाए जाते हैं. ये सारे फिब्रल्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द सीलिया. दीज सीलिया आर ऑल कवर्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स. एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता कि सीलिया किस तरह जो है वो मूव करते हैं, लेकिन 1954 में ब्रेडफोर्ड ने जो था वो सीलिया की मूवमेंट को जो था वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और उसके लिए उसने कंट्रैक्शन और स्लाइडिंग ऑफ डबल फिब्रल का एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था जिसमें उसने बताया था कि सीलिया एक्चुअली जो है वो 2 ग्रुप की शक्ल में जो है वो मूव करते हैं. हमने बताया कि सीलिया में टोटल 9 फिब्रल्स मौजूद हैं. उन 9 में से 5 फिब्रल्स जो हैं वो खुद को कंट्रैक्ट करते हैं और स्लाइड करते हैं जिसकी वजह से सीलियम बेंड हो जाता है, स्मॉल इन साइज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक. बाकी जो 4 फिब्रल्स बचते हैं वो जब कंट्रैक्ट होते हैं तो सीलिया जो है वो स्ट्रेट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक. ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के लिए इसको चाहिए होती है ईटी एनर्जी. एनर्जी जो है वो इनको कैसे मिल रही होती है? एनर्जी इनको मिलती है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ एटीपी. एंजाइम इज अ प्रेजेंट इन द सीलिया दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन दिस एटीपी एंड रिलीज द एनर्जी. द एक्शन ऑफ अ सीलिया इज अ कोऑर्डिनेटेड एंड ऑल द सीलिया बीट टूगेदर इन अ सीक्वेंस, नॉट एट ऑल द टाइम. सारे सीलिया एक ही वक्त में हरकत नहीं करते बल्कि उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है.
कुछ सीलिया एक वक्त में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं और कुछ जो है वो फिर नेक्स्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। दिस वन यू शो द मूवमेंट ऑफ द पैरामेशियम। नाउ दिस इज अ ब्लिंकिंग इमेज दैट इज सीलिया। यू सी दिस, इट इज मूव इन अ प्रोपेलर मोशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्ती में चप्पू चल रहा होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, सेम ऐसे ही ये सीलिया जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर ये सीलिया पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप देखो कि ये वाले जो सीलिया हैं ये आगे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, यानी प्रोपेलर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होती है प्रॉपर, जिसकी वजह से सीलिया जो है वो मूव करते हैं और पैरामेशियम जो है इस सीलिया की लोकोमोशन की वजह से फर्दर आगे को जो है वो मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट इज अ लोकोमोशन इन अमेबा। अमेबा से तो ऑलमोस्ट सभी ही फेमिलियर हैं। अमेबा की मूवमेंट जो है वो सीडोपोडिया के थ्रू होती है। सीडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फुट लाइक और द प्रोजेक्शन लाइक मूवमेंट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज अ थ्रोन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ साइटोप्लाज्म एंड द बॉडी मूव्स इन दैट डायरेक्शन। ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो सीलिया की मूवमेंट दिखाई जा रही है। इसमें क्या है कि ये जो इसके ये जो आर्म लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इसकी मूवमेंट जो है वो होती है और इसकी मूवमेंट होने के नतीजे में जो है वो अमीबा अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहता है। नेक्स्ट इज अ लोकोमोशन इन जेलीफिश। द बॉडी ऑफ द जेलीफिश इज यूजुअली द अम्ब्रेला शेप लाइक अ बेल। First of all, water is entered in this bell-shaped structure and as a result it contract and jellyfish move forward. This movement is also known as a jet propulsion. ये देखिए, पानी एंटर होता है, ये पहले खुद को कंट्रैक्ट करता है और फिर खुद एकदम से जो है वो रिलैक्स होता है और रिलैक्स होने के नतीजे में इनकी जो है वो मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जेट जो है वो जब मूव उसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होता है तो नीचे से जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस जो है वो मूव कर रही होती हैं और जेट उस गैसेस के अगेंस्ट जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट वन इज अ लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म की लोकोमोशन को हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन में भी जो था वो डिस्कस किया था। एक्चुअली सीटा एंड दी मसल्स आर बोथ इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट ऑफ दी अर्थवॉर्म। नेक्स्ट डिटेल में जब हम अर्थवॉर्म के स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे तो उसमें हम जो है वो ये सीटा को एक्सप्लेन करेंगे। अर्थवॉर्म बिकम्स शॉर्ट एंड अ थिन फर्स्टली। सबसे पहले अर्थवॉर्म जो है वो लंबूतरा पतला और छोटा होता है। देन सीटा जो है एंटीरियर साइड यानी मुंह वाली साइड से उसकी नीचे वाली साइड से जिस साइड पे उसका जो है वो ओपनिंग होती है उसके नीचे वाली साइड से सीटा सबसे पहले बाहर निकलते हैं और वो उस सबस्ट्रेट के साथ या ज़मीन के साथ जो है वो फिर्मली खुद को एंकर कर लेते हैं यानी होल्ड कर लेते हैं। अर्थवॉर्म के पास दो तरह के मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स होते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो खुद को रिलैक्स करते हैं, बॉडी जो है वो शॉर्ट इन साइज हो जाती है और वो जो साइज में छोटा हुआ होता है पार्ट वो आगे की तरफ जो है मूव करता है। दूसरी टाइप्स के मसल्स हैं सर्कुलर मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है वो थिन होके लंबूतरी शेप में जो है वो आ जाती है। दिस वन इज एक्सप्लेन क्लियरली अबाउट द मूवमेंट ऑफ द डायरेक्शन लोकोमोशन ऑफ द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और दूसरे हमारे पास जो हैं वो सर्कुलर मसल्स हैं। ये इसकी हेड शेप यानी एंटीरियर साइड है। यहाँ पे इस साइड पे जो है वो सबसे पहले क्या होता है, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, बॉडी जो है वो शॉर्ट होके थिन हो जाती है और वो आगे की तरफ जो है वो मूव करती है। उसके अल्टरनेट जो है यहाँ पे अब सर्कुलर मसल्स जो हैं वो अगेन कंट्रैक्ट हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, बॉडी जो है वो खुद को लंबूतरा कर लेगी, लंबा जो है वो कर लेगी। ये नीचे इसके ब्रिसल्स हैं। सीटा क्या है कि हर कंपार्टमेंट में जो अलहदा से ब्रिसल्स मौजूद होते हैं वो उसकी सीटा कहलाते हैं, जो इसको
एंकर करते हैं जमीन के साथ, जो है वो होल्ड होल्ड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ लोकोमोशन इन कॉकरोच डेट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। मोड ऑफ लोकोमोशन इन दी कॉकरोच इज अ स्विफ्ट वॉकिंग, मतलब बहुत नरम तरीके से जो है वो मूव करता है। आपको पता है कि कॉकरोच के पास जो है वो फॉर वॉकिंग पर्पस लेग्स भी मौजूद होती हैं, फॉर फ्लाइंग पर्पस इसके पास विंग्स भी मौजूद होते हैं। फॉर वॉकिंग पर्पस ड्यूरिंग द वॉकिंग द लेग्स इज अ यूज एट वन साइड। तीन इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फोर गट के रीजन में जो लेग्स होती हैं वो फोर लेग्स होती हैं जो बॉडी को आगे की तरफ मूव करती हैं, और हाइंड लेग्स जो होती हैं वो सेम इसी डायरेक्शन में उसको पीछे की तरफ पुश कर रही होती हैं। मिडिल लेग्स जो हैं वो एज अ क्रॉप एक्ट करती हैं, मतलब वो उसको होल्ड किए हुए होते हैं। और पोस्टीरियर पार्ट के जो विंग्स विंग्स हमारे हमें पता है कि थ्री पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, लेकिन जो इसके पोस्टीरियर विंग्स हैं वो बेसिकली हेल्पफुल होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द फ्लाइट। आउट ऑफ द टू पेयर्स, टोटल टू पेयर्स हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर पीछे वाले पेयर ऑफ विंग्स हैं वो इनके मूवमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं। दिस वन यू सी ये जो सेंटर में इसकी लेग्स हैं, ये हमारे पास इन लेग्स, ये मिडल लेग्स हैं जो जस्ट क्रॉप का मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं। ये फर्स्ट वाली जो लेग्स हैं ये फोर लेग्स होती हैं, और पीछे वाली जो है वो हमारी हाइंड लेग्स हैं। इसी तरह दो पेयर्स हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, लेकिन जो पोस्टीरियर पेयर ऑफ रिंग है, पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग्स हैं, ये इसकी फ्लाइट में जो है वो हेल्पफुल है। लोकोमोशन इन स्नेल, स्नेल इज आइदर क्रॉल और अ मूव स्लोली विद द हेल्प ऑफ अ फुट। लोकोमोशन इन स्टारफिश, स्टारफिश इज मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। Tube feet are present on the both side of the radial canal. Radial canal is also known as central canal, that is extend up to its arm. Tube feet, actually this is feet, F-E-E-T. Tube feet extend when the water pump them, then as the result body becomes shortens and pull up. Arm of the starfish is also help in the swimming. This is a movement of the snail. स्नेल जो है वो बेसिकली या तो क्रॉल कर रहे होते हैं, या इनके इस शेल में से जो है वो एक सॉफ्ट मस्कुलर फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड दिस वन इज़ अवर स्टारफिश। स्टारफिश के ये तो इसका ऊपर वाला हिस्सा पोस्टीरियर साइड है, नीचे वाला हिस्सा इसका एंटीरियर साइड है। एंटीरियर साइड के बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल कैनाल होती है जो कि मूव कर रही होती है इसकी सभी आर्म्स में। उस सभी आर्म्स में मूव करने की मदद से जो है वो रेडियल कैनाल कहलाती है। रेडियल कैनाल जो है वो वाटर प्रेशर जो है वो जनरेट करती है इसकी इन आर्म्स में। यहाँ पे इनके पास एक फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्प्यूला बोलते हैं। ये एम्प्यूला जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की मदद से जो है वो खुद में उसमें जो है वो सख्ती रिजिडिटी आ जाती है, जिसकी मदद से वो ईजिली जो है वो मूव कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स you understand this topic very well and clear all your concepts. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.